Hello friends, let me give you a very brief introduction about myself. Myself, CA Yachna Mutha Burat, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. I've done diploma in information system audit with All India Second Rank. I'm associated with various training institutes in Mumbai for training GST to professionals, job seekers and my dear students. I'm a faculty for CA Final and CA Intermediate IPCC course for the subject Indirect Taxes. ठीक है, so बेटा अब ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, अब हम यहाँ क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये वीडियोस किससे रिगार्डिंग है। सो जो इंस्टीट्यूट ने बेटा आईसीएआई ने एमसीक्यूज रिलीज किए हैं इनडायरेक्ट टैक्स पार्ट से रिलेटेड, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स पार्ट से रिलेटेड एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है बेटा एमसीक्यू बेस्ड है, 30% एमसीक्यू का वेटेज है। 30% क्या है बेटा, एमसीक्यू का वेटेज है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए पेपर में, तभी आप एमसीक्यू बिल्कुल बराबर अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसमें आपको बिल्कुल टारगेट करना है आउट ऑफ 40 आपको 35 प्लस इस पेपर में लेके आना है, ठीक है। इन टैक्सेशन पेपर में आपको बिल्कुल एग्जेम्पशन आना ही चाहिए बेटा, और उसके लिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ये जो सेक्शन बी है बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। एक्स एंड कंपनी अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मेघालय वॉन्ट्स टू ऑफर कंपोजिशन लेवी, द टर्न ओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी इज, याद करो बेटा कुछ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स थे जिसमें टर्नओवर लिमिट क्या थी, 75 लाख। यस, ये देखो ये 8 स्टेट्स हुआ करते थे, हमने पढ़े थे क्लास में, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड। यहाँ पे लिमिट क्या है कंपोजिशन की, 75 लाख। क्या चीज, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे इफ इट डज नॉट एक्सीड 75 लाख इन दीज 8 स्टेट्स, तो आप इस साल क्या कर सकते हो, कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। मेघालय इज वन ऑफ देम, तो मेघालय में लिमिट क्या है, 75 लाख। इनके अलावा जो दूसरे स्टेट से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अगर वो पूछता तो 1.5 CR बेटा, 1.5 CR। तो यहाँ पे लिमिट क्या है, 75 लाख। बी इज द करेक्ट आंसर। द पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई फ्रॉम मध्य प्रदेश इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी सेक्शन 24। बेटा क्या पढ़ा था, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का सेक्शन था, तो वहां पे अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई किस चीज का कर रहे हो, गुड्स का कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इवन इफ 2000 रुपए का आपका टर्नओवर है बेटा, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, 10-20 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। कब, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, गुड्स के केस में, सर्विस के केस में नहीं, 10-20 लाख का बेनिफिट सर्विस के केस में है, ठीक है। यहाँ कंपल्सरी की बात कर रहा है, ये गुड्स सेक्टर की बात कर रहा होगा। सो इफ इज इन इफ और इज ऑल इंडिया बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर, नो। इफ इट्स ऑल इंडिया बेस्ड टर्नओवर एक्सीड 10 लाख, नो। इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एंड इन केस ऑफ मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर, दिस इज टोटली अप्रोप्रिएट। डी पॉइंट, गुड्स के केस में बेटा इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर उसको रजिस्ट्रेशन लेना। मैं महाराष्ट्र में हूं, मैंने यहां से गुजरात यहां कोई गुड्स भेजे, फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल ट्रेडिंग करती हूँ, मैंने गुड्स भेजे बेटा 10,000 रुपए का मोबाइल, मैंने खाली एक भेजा, कहां, इंटर स्टेट, तो मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा, मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा, इवन इफ मेरा टर्नओवर 5 लाख ही हो, ठीक है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केसेस पड़े थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी, एग्जेम्पशन का चैप्टर बेटा बड़ा सिंपल था, जो चीजें वहां दी है वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो वहां एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा था, याद है उसमें क्या क्या था भाई, ये सब कुछ पढ़ा है। टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट होती है इसकी सर्विस, सप्लाई कर रहा है कोई फार्म लेबर एग्जेम्प्ट होता है बेटा, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट होता है, तीनों भी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। सो आंसर इज डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट, मिस्टर नारायण गोयल हैज बुक्ड अ रूम ऑन रेंट इन सनशाइन होटल फॉर द पर्पज ऑफ लॉजिंग ऑन 10th August, जीएसटी इज नॉट पेबल बाय मिस्टर नारायण इन केस वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द सेम इज, देखा था हमने बेटा 1000 की लिमिट थी, ठीक है। यहाँ पे 1000 तक के अगर यहाँ वैल्यू है तो उस केस में जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे क्या आंसर है, करेक्ट ए होगा बेटा, विद इन लिमिट है 800 रुपीज, यहाँ पे 800 रुपीज तक की वैल्यू ऑफ सप्लाई तो जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्पशन के चैप्टर में पढ़ा था बेटा। आईटीसी इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन लेवी, बिल्कुल बराबर बात है। फ्री सैंपल्स बिल्कुल बराबर बात है। गुड्स यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन बिल्कुल बराबर बात है बेटा। सारी चीजों का आईटीसी मिलता है एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्या बोलता था कि भाई कुछ चीजों के क्रेडिट ब्लॉक्ड है, उसमें ये तीनों चीजें हमने पढ़ी थी बेटा।
हमने तीनों चीजें पढ़ी थी कि भाई यहाँ पे कोई चीज है जिस पर कंपोजिशन लेवी वाली सर्विसेज है, यहाँ पे फ्री सैंपल्स है, या आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स लिए, तो वो सबका क्रेडिट ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा. सो 1, 2 and 3 डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सुभाष एंड कंपनी आर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइड टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन. भाई क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, यूआरडी को यहाँ पे क्या दे रहा है, टैक्सेबल गुड्स दे रहा है. इट डज नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर रहा है बेटा फॉर द गुड्स सप्लाइड ऑन 16th अप्रैल. इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज एंड द रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस, पढ़ा था बेटा हमने, 200 रुपए से कम की आपके यहाँ पे गुड्स हो फॉर एग्जाम्पल, रिसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि आप इंडिविजुअल टैक्स इनवॉइस इशू करें. ठीक है, कब 200 रुपए से कम होना चाहिए आपका वो इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है, और रिसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं. बट इस केस में क्या इशू करते थे, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ ईच डे, जैसे कि किराना शॉप वाला, ठीक है, तो उसने दिन भर में 10 सेल करी, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए की, तो ऐसी बहुत सारी सेल करी, सबका कंबाइन करके वो एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द डे एंड इशू कर सकता है. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 150 लेस देन 200, यही है. सो सी इज द करेक्ट आंसर. सो यहाँ वैल्यू ऑफ द गुड्स अगर 150 रुपए है, तो उसको इन्वॉइस इशू करने की इंडिविजुअल कोई जरूरत नहीं है. सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय डैश आर एग्जेम्प्ट बेटा रोड से, रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एग्जेम्प्ट है. इनलैंड वाटरवेज, जीटीए, कुरियर एजेंसी, ये सब टैक्सेबल है, हमने देखा था, ठीक है, रोड से यहाँ पे क्या है, एग्जेम्प्ट है. तो इसका आंसर क्या है बेटा, रोड है वन ओनली, तो डी पॉइंट हो जाएगा. देखो घुमा के थोड़ा सा पूछा है आंसर वन, वन एक्सेप्ट 3, 4 and 2, यही बात है, ठीक है. नेक्स्ट बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय रेल फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात आर एग्जेम्प्ट. पल्सेस का एग्जेम्प्ट होता है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स का एग्जेम्प्ट होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैगरी नहीं, इसका नहीं होता. सो वन एंड टू देखा जाए तो देखो हमने देखा था, एक सेकेंड आई विल ओपन दिस. यस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉलिंग गुड्स बाय रेल वेसल जीटीए एग्जेम्प्ट था बेटा. क्या, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, राइजेस, पल्सेस, ये हमारा आ गया. डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ठीक है, रिलीफ मटेरियल्स मेन फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर, ये सारी चीजें अगर आप ट्रेन रेल से करो, आप वेसल से करो, आप जीटीए से करो, किसी से भी करो बेटा, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, ठीक है. तो इनका ट्रांसपोर्टेशन रेल से दिया हुआ है तो एग्जेम्प्ट है. किस किस का, पल्सेस का बिल्कुल एग्जेम्प्ट है हमने देखा, मिलिट्री इक्विपमेंट्स का भी एग्जेम्प्ट है. सो वन एंड टू, सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग, अब क्या पूछ रहा है ये, पहले ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन था, अभी क्या है, वेयर हाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. देखते हैं वेयर हाउसिंग किस किस का एग्जेम्प्ट था बेटा, टी का एग्जेम्प्ट था, जैगरी का एग्जेम्प्ट था, बीटल लीव्स का एग्जेम्प्ट था, ये सभी का हमने देखा था, इनफैक्ट पल्सेस का भी एग्जेम्प्ट था, ये सब चीजों का वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है. स्पेसिफिक एंट्री हमने पढ़ी हुई है, टी, जैगरी, बीटल लीव्स, इन सबका क्या है बेटा, वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा. सो 1, 2 and 3, सो डी इज द करेक्ट आंसर. जीएसटी इज नॉट पेबल बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग केसेस. भाई रिसिपिएंट जनरली कहां पे करता है बेटा, आरसीएम के केस में, ठीक है. तो यहां क्या बोल रहा है कि रिसिपिएंट नहीं पे करेगा जीएसटी, किस किस केस में देखते हैं. सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पॉन्सरशिप, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एबीसी लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, आरसीएम में आता है बेटा, इस पे तो जीएसटी लगेगा, इस पे जीएसटी लगेगा. सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा, बेटा यहाँ पे किसको प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्टर सर्विसेज, क्या बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी को नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें यहाँ पे नहीं लगेगा बेटा, इसमें कोई रिसिपिएंट को जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है. तो एक तो सेकेंड इज करेक्ट जो क्वेश्चन पूछा है. सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट टू एमएनओ लिमिटेड, ये भी हमारी बात हुई थी, आपको याद हो तो बेटा, गवर्नमेंट जो सर्विसेज देता है इसमें स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, इन सबको एग्जेम्पशन की एंट्री में एक्सेप्शन में रखा था. इनको क्या बोला था यहाँ पे कि भाई ये सर्विसेज वैसे भी टैक्सेबल है, और आरसीएम की एंट्री में भी इसको एग्जेम्पशन में, यहाँ एक्सेप्शन में रखा हुआ था. तो इसमें आरसीएम पे टैक्स रिसिपिएंट नहीं पे करती, इस पे गवर्नमेंट ही टैक्स पे करती, ठीक है. तो गवर्नमेंट की ये सर्विसेज सबसे पहली बात तो टैक्सेबल है, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ये सारी जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देता है, और टैक्सेबल कौन है, गवर्नमेंट ही उसका टैक्स कलेक्ट करके पे करता है यहाँ पे, ठीक है. स्पीड पोस्ट डिपार्टमेंट जो रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वही पे करेगा, यहाँ रिसिपिएंट को टैक्स पे नहीं करना है. हम कभी स्पीड पोस्ट करने जाते हैं तो हमें उस पर लाइबिलिटी नहीं है उस पर टैक्स पे करने की, वो आपसे डिपार्टमेंट कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है. तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, करेक्ट मतलब कि यहाँ जो बात है कि जीएसटी इज नॉट पेएबल बाय रिसिपिएंट, क्वेश्चन क्या है, जीएसटी किस किस केस में रिसिपिएंट को नहीं पे करना है, तो सेकंड केस में नहीं करना है, थर्ड केस में नहीं करना है.
सर्विस सप्लाई बाय रिकवरी एजेंट टू दिस बैंक, तो बेटा इस केस में तो करेगा बैंक, ये आरसीएम में कवर होता था रिकवरी एजेंट की सर्विसेज। सप्लायर कौन है सर्विस का? रिकवरी एजेंट सर्विस दे रहा है, बैंक को सर्विस दे रहा है, तो टैक्स कौन पे करेगा? बैंक, क्यों? आरसीएम की एंट्री है। सो सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट आर करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट आंसर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर एक्स अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन is not involved in making taxable supply of notified handicraft goods. Which of the following statement is true for Mr. X, a casual taxable person? ठीक है, तो Mr. X जो है वो casual taxable person है और he is not involved in making supply of handicraft goods, नहीं supply कर रहे हैं, तो क्या statement true है हम यहाँ पे देखेंगे। Mr. X is not required to take registration under GST law. आपको याद है कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 24 में बेटा, casual taxable person को compulsory registration होता है। ठीक है, तो A is incorrect. क्या बोल रहा है? मिस्टर एक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं, रजिस्ट्रेशन तो उसको कंपलसरी देना ही है, विदाउट रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर लिमिट और रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन देना है। ठीक है, सेक्शन 24 के अंदर मिस्टर एक्स इज रिक्वायर टू गेट रजिस्ट्रेशन इफ द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख, नो, 40 लाख, नो, एंड लास्ट इज द करेक्ट, मिस्टर एक्स हैज टू कंपलसरीली गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी रिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट, irrespective of threshold उसको registration देना है, irrespective of threshold उसको registration देना है, so D is the correct answer, D is the correct answer for 11th point. Next, the registration certificate granted to a NRTP non-resident taxable person is valid for how many days from the effective date of registration or the period specified in the registration of application, whichever is earlier, बेटा पढ़ा था हमने 90 days के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 90 days या जो पीरियड स्पेसिफाई किया उसने एप्लीकेशन जब किया था उसको अगर 50 दिन के लिए चाहिए तो वो स्पेसिफाई करेगा, तो 90 डेज या 50 डेज विच एवर इज अर्लियर ऐसा रहेगा, बट मैक्सिमम एक टाइम पे कितना मिलता है 90 डेज का, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी, फिर वो लोग फर्दर एक्सटेंशन और 90 डेज का कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई, तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, कौन सी एक्टिविटी को? परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल, नहीं भाई, इसे तो सप्लाई माना था, कहां पे माना था बेटा, याद है शेड्यूल वन पैरा वन, शेड्यूल वन पैरा वन में क्या बात हुई थी? परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो या डिस्पोजल कर रहे हो बिजनेस का एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन टेकन, बिजनेस के एसेट में सारे आते हैं, कैपिटल एसेट भी आता है, स्टॉक इन ट्रेड भी आता है। ठीक है, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, बेटा ये कहां पड़ा था? शेड्यूल टू में, शेड्यूल टू में पड़ा हुआ है ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, हाँ ये बात हुई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज जो है बेटा ये क्या बात हुई थी? हमने पढ़ा था कहाँ? शेड्यूल थ्री में, इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, ना सप्लाई ऑफ गुड्स ना सप्लाई ऑफ सर्विस, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, सो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, एंड सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ अवर रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये भी कहाँ पढ़ा था? शेड्यूल थ्री में था। सो थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों पे जीएसटी नहीं लगेगा, सो डी इज द करेक्ट आंसर, D is the correct answer. Next, balance in electronic credit ledger can be utilized. Credit ledger की बात हो रही, cash की नहीं। तीन ledger थे हमारे, electronic cash ledger, electronic credit ledger, electronic liability ledger. क्या बात हो रही? Electronic credit ledger में जो balance है, किस चीज का balance होता है बेटा? जो भी आपने ITC self assess करते हो वो होता है उसके अंदर, उसको आप किस चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हो ये सवाल है, तो आप उसको आउटपुट टैक्स पेबल के लिए कर सकते हो, टैक्स पेबल के लिए कर सकते हो, बाकी कोई इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी उससे नहीं पे कर सकते, आप किसके लिए करोगे? आउटपुट टैक्स पेबल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ द एग्रीगेट टर्नओवर इज कैलकुलेटेड फॉर डिटरमाइनिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। एग्रीगेट टर्नओवर क्या क्या आता था याद करो, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, चलो देखते हैं। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय पर्सन ऑन आरसीएम एंड इंटर स्टेट सप्लाई exempt supply, export of goods or services, interstate supply of a person having same PAN computed on a all India basis. तो बेटा यहाँ पे बस एक ही problem है, ये जो इन्होंने लिख दिया है interstate supply, ये नहीं आता, ये नहीं आता। क्या definition थी अगर आप याद करो तो बेटा, aggregate turnover की definition हमने registration के लिए क्या क्या पढ़ी थी? टैक्सेबल सप्लाई आता था, एग्जाम सप्लाई आता था, एग्जाम सप्लाई में तीन चीजें आ जाती है, निल रेटेड सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई, और क्या आ जाता है बेटा? निल रेटेड सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, देन एक्सपोर्ट्स आ जाता है, देन इंटरस्टेट सप्लाई फॉर द पर्सन हैविंग सेम पैन
और इसमें क्या नहीं आता है बेटा, जीएसटी नहीं आता, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी, कंपनसेशन टैक्स एंड वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन मिस टैक्सेस पेबल इन द आरसीएम, इतनी चीजें नहीं आती है, इतनी चीजें नहीं आती है, ठीक है। देन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन मिस टैक्सेस पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन कंप्यूटेड फॉर ईच स्टेट सेपरेटली, नहीं ऐसा नहीं, टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस है, ठीक है। देखो डी जो है बिल्कुल सही है, हम सही आंसर ही पढ़ते हैं। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन मिस टैक्सेस पेबल बाय द पर्सन ऑन आरसीएम, एग्जेम्प्ट सप्लाई आता है, देन एक्सपोर्ट्स आता है, एंड इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ द पर्सन हैविंग सेम पेन टू बी कंप्यूटर ऑन ऑल इंडिया बेसिस एक्सक्लूडिंग टैक्सेस इफ एनी चार्ज अंडर एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये कैसे देखा जाता है, पैन इंडिया देखा जाता है, ठीक है। आपको पूरे पैन इंडिया देखना है कि भाई कितना यहाँ पे लिमिट होता है इसका, ठीक है। तो ए में क्या प्रॉब्लम थी, देखो ए में क्या बोल दिया इन्होंने, ये इंटरस्टेट सप्लाई की बात कर दी, ऐसा कुछ था ही नहीं। बी में क्या बोल दिया उन्होंने, फॉर ईच स्टेट सेपरेटली, ऐसा भी नहीं था, टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस था। सी में क्या बोला उन्होंने, सी बेटा बिल्कुल इनकम्प्लीट थी डेफिनेशन, फॉर ईच स्टेट सेपरेटली भी था ना, इन्होंने जीएसटी को एक्सक्लूड किया ना, इन्होंने क्या किया बेटा यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई को एक्सक्लूड किया। सो डी इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, डी इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। सो आंसर इज डी। विद इन हाउ मेनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कितने दिनों में बेटा, 30 days, जब से आप लाइबल होते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया तो 30 दिन के अंदर, या आपका सेक्शन 22 से एप्लीकेबिलिटी है, तो जिस दिन आपका यहाँ पे टर्न ओवर क्रॉस हुआ 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, आपको जो भी अप्लाई होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, सो विद इन 30 days फ्रॉम द डे ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 30 days फ्रॉम द डे ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा, कालीमन एसोसिएट्स मेड एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ मार्च ड्यू टू क्लोजर ऑफ इट्स बिजनेस, इट्स एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज अप्रूव्ड ऑन 14 सेप्टेम्बर, इन द गिवन केस कालीम एसोसिएट्स इज, बेटा देखा था हमने 3 months के अंदर अंदर उसे फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, विद इन 3 months ऑफ द, यहाँ पे हमने देखा था रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न ऑन और बिफोर 14th of December। ये देखो वट इज द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द फाइनल रिटर्न, इट इज द डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, द रिटर्न हैज टू बी फाइल विद इन 3 months ऑफ दीज टू, या तो जो डेट ऑफ कैंसिलेशन है या ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन है उसके 3 महीने के अंदर अंदर, यहाँ पे उसका कब हो रहा है बेटा 14th, यहाँ सेप्टेम्बर को अप्रूव हो रही है उसकी एप्लीकेशन, तो 3 महीने के अंदर अंदर 14 December तक के उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ज़ाइलो एंड कंपनी हैज 3 branches, जलंधर, अमृतसर एंड लुधियाना इन द स्टेट ऑफ पंजाब, अमृतसर एंड लुधियाना इन द स्टेट ऑफ पंजाब, अमृतसर एंड लुधियाना, ठीक है, 3 branches है जलंधर, अमृतसर, लुधियाना में, पंजाब में। अमृतसर एंड लुधियाना ब्रांचेस आर इंगेज इन सप्लाई ऑफ गारमेंट्स एंड जलंधर ब्रांचेस इंगेज इन सप्लाई ऑफ शूज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर लीगली अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ज़ाइलो एंड कंपनी कैन ओपन सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर पंजाब डिक्लेयरिंग एज एनी ऑफ द वन ऑफ द ब्रांचेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड अदर एज एडिशनल प्लेस, यस दिस इज करेक्ट। ज़ाइलो एंड कंपनी कैन ओपन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ 3 branches, यस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ाइलो एंड कंपनी कैन ओपन 1 registration फॉर शू बिजनेस एंड अनदर रजिस्ट्रेशन फॉर द कॉमन फॉर गारमेंट्स बिजनेस अमृतसर एंड लुधियाना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो है ठीक है, पहले ये ऑप्शन हुआ करता था बिजनेस वर्टिकल के केस में, आप यहाँ पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी 3 branches है, आप चाहो तो उनका 1 registration ले लो, आप चाहो तो उनका अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लो, कैसे भी कर सकते हो। सो वन और टू। What is the validity of registration certificate? एक बार registration certificate ले लिया तो कब तक valid रहेगा वो, जब तक cancel नहीं करोगे। So it is valid till it is cancelled. It is valid till it is cancelled. So C is the correct answer. ठीक है। Within how many days an application for revocation of cancellation of registration can be made? किस चीज की बात हो रही है बेटा? Revocation of cancellation. Revocation, जब हमने cancellation हुआ आपका registration, उसका अगर revocation करना है तो application कब तक करनी पड़ती है? पड़ा हुआ है 30 days में बेटा। Within 30 days from the date of service of order for cancellation, आपका यहाँ पे order जब भी आपको यहाँ मिल जाता है, service हो जाता है बेटा, cancellation order आपको service हो जाता है, मिल जाता है, उसके बाद में 30 days के अंदर अंदर आप revocation के लिए application कर सकते हो। Can a registered person opting for composition scheme collect GST on his outward supply? No, not at all. ना ITC ले सकता है, ना outward supply पे GST collect कर सकता है, ना outward supply पे GST collect कर सकता है, so no, बिल्कुल भी नहीं। डी इज द करेक्ट आंसर। कितने सिंपल एमसीक्यू आए बेटा, देखो
नेक्स्ट बेटा, इन केस ऑफ जीटीए द टैक्स इज टू बी पेड इन द फॉरवर्ड चार्ज. पढ़ा था बेटा 12% वाले ऑप्शन में क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं 12% 5%, ठीक है. 12% वाले ऑप्शन में क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज, इफ टैक्सेबल टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है. और 5% वाले ऑप्शन में अगर टैक्सेबल होता है तो रिवर्स चार्ज में होता है. सो फॉरवर्ड चार्ज में कब आते हैं, जब हम 12% में होते हैं, 12% में होते हैं, ठीक है. सो जीएसटी इज पेबल एट द रेट ऑफ 12%. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, क्या एग्जेम्प्ट नहीं है, क्या एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है. मतलब टैक्सेबल कौन सी है ये पूछ रहा है. योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, नो. चैरिटेबल एक्टिविटीज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट. योगा कैंप जो है वो चैरिटेबल एक्टिविटी में आता है, सो दिस इज एग्जेम्प्ट. सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस करेस्पॉन्डेंट टू रूरल ब्रांच ऑफ बैंक विद रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट. तो यहाँ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट अगर रूरल ब्रांच के लिए कोई सर्विसेज देता है तो बेटा वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, हमने पढ़ा था. सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोर ब्लड बैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, वो भी एग्जेम्प्ट है, वो भी एग्जेम्प्ट है, हमने पढ़ा था हेल्थ सेक्टर में ये. सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमेंटेटर टू अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, बेटा ये टैक्सेबल है, ठीक है. प्लेयर वगैरह रहते हैं तो हमने देखा था एग्जेम्प्ट होती है. यहाँ पे कौन है, कमेंटेटर है, ठीक है. तो इस केस में क्या होगी, टैक्सेबल होगी. सो डी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट एग्जेम्प्ट, दिस इज टैक्सेबल. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, इसमें से किसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा. कहाँ पढ़ा था, शेड्यूल 2 बताता था बेटा, किस चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना, किसकी चीज को सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है हमको. सो ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और ट्रांसफर ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो तो क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाता है. ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स गुड्स होता है बेटा. ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी विल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन, दिस इज ऑल्सो गुड्स, हायर परचेज वाला. सो ए इज द करेक्ट आंसर. हमने क्या देखा था, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल अगर आप कोई ट्रांसफर कर रहे हो गुड्स या राइट इन गुड्स, यहाँ पे ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हो राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, दैट इज सर्विस, वो सर्विस में आ जाता है. सो वन ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर. रामा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. इंटरेस्ट रेट आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई दी हुई है आपकी, ठीक है. इंटरस्टेट टैक्स एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई, टर्नओवर एक्सपोर्ट्स का दिया हुआ है. पेमेंट फॉर मेड फॉर अवेलिंग जीटीए सर्विस इनवर्ड सप्लाई दी हुई. कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर, अब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आता है बेटा, टैक्सेबल सप्लाई आता है, आता है. एग्जेम्प्ट सप्लाई आता है, आता है. एक्सपोर्ट्स आता है. इनवर्ड सप्लाई आता है, नहीं नहीं आता. तो ये ऊपर के तीन आ जाएंगे, ठीक है. तो इट कम्स टू बेटा 23 लाख. सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बेटा, पी लिमिटेड हैज अ रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर द कंपनीज एक्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र From where it is ordinarily carrying out its business of taxable goods. भाई महाराष्ट्र से क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनरी अपना बिजनेस कर रहा है बेटा टैक्सेबल गुड्स का. इट ऑल्सो द वेयर हाउस है कहाँ पे, तेलंगाना में. फॉर स्टोरिंग द सेट गुड्स, वेयर हाउस कहाँ पे, तेलंगाना में. वॉट विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या रहेगा. प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन देखो यहाँ पे देखी थी हमने, मैंने ओपन किए. प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब अ प्लेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज ऑर्डिनरली कैरिड आउट एंड इट इंक्लूड्स व्हाट बेटा, वेयर हाउस, गो डाउन और एनी अदर प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन स्टोर्स हिज गुड्स और सप्लाइज और रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है. देन अ प्लेस वेयर द टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अ प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज थ्रू एजेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड. तो सब कुछ आता है बेटा, वेयर हाउस हो, गोडाउन हो या कोई भी दूसरी प्लेस हो, ये सारी चीजें किसमें आती है, ये सारी चीजें आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में आती है. डेफिनेशन भी दिया हुआ है. सो इस केस में बोथ ए एंड बी, तेलंगाना महाराष्ट्र दोनों क्या है बेटा प्रिंसिप, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों भी क्या है आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, दोनों भी क्या है आपका प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में आता है. एन एग्जेम सप्लाई इंक्लूड्स, एग्जेम सप्लाई की डेफिनेशन तीन चीजें आती थी बेटा, बताओ क्या है. निल रेट ऑफ सप्लाई, देन नॉन टैक्सेबल सप्लाई एंड जो भी गुड्स और सर्विसेज जो कि कहाँ है बेटा, जो होली एग्जेम अंडर सेक्शन व्हाट 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट यहाँ पे या 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट देखेंगे. सो क्या क्या आता है इसमें, देखा था हमने निल रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई और यहाँ पे जो भी एग्जेम है, होली एग्जेम है फ्रॉम अ नोड, यहाँ पे होली एग्जेम है, होली एग्जेम सप्लाई. तो क्या क्या है देखते हैं, चलो. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच ट्रैक्स मिल रेट ऑफ टैक्स, यस ये एग्जेम सप्लाई की डेफिनेशन में ही आता था बेटा, डेफिनेशन में आता था. देन नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यस नॉन टैक्सेबल सप्लाई आता है. देन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर होली एग्जेम फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 और सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट एग्जेम्पशन का, यहाँ पे पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन का सेक्शन है. तो ये तीनों भी कहाँ आता था, एग्जेम सप्लाई. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल और बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा. सो 1, 2 and 3 डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर. तीनों भी एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में आता है.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है? कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है? सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मिंग इन क्लासिकल फॉर्म ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर, दोनों, मेकिंग एक्सेट्रा विद कंसिडरेशन नॉट एक्सीडिंग 1.5 लाख. कंसिडरेशन नॉट एक्सीडिंग 1.5 लाख तो था बेटा, बट किसका? फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर, हमने देखा था. ठीक है, याद है आपको? म्यूजिक, डांस, थिएटर का यहाँ पे फोक, क्लासिकल आर्ट फॉर्म जो भी है वो सबका, अगर आपका यहाँ पे जो है बेटा सर्विस कोई आर्टिस्ट देता है और उसका कंसिडरेशन 1.5 लाख तक है, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट होती है. यहाँ पे क्या लिखा है? पेंटिंग, स्कल्पचर वगैरह, नो. देन सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन मॉडर्न आर्ट, नहीं बेटा, फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म यहाँ पे एग्जेम्प्ट है. सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर विद अ कंसीडरेशन एक्सीडिंग 5 लाख, 1.5 लाख, नो. एक्सीडिंग नहीं बेटा, नॉट एक्सीडिंग 1.5 लाख. तो डी, सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ MDT, हमने पढ़ा था क्लास में, म्यूजिक, डांस, थिएटर, विद अ कंसिडरेशन नॉट एक्सीडिंग 1.5 लाख. डी इज द करेक्ट आंसर. डी इज द करेक्ट आंसर बेटा. नेक्स्ट बेटा, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू डैश इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. नॉट एग्जेम्प्ट, क्या नॉट एग्जेम्प्ट बेटा? म्यूजियम एग्जेम्प्ट, हमने देखा था यहाँ पे. एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये तीनों भी एग्जेम्प्ट है. रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट वेयर द एडमिशन टिकट कॉस्ट 600 पर पर्सन, हमने देखा था. लिमिट क्या थी बेटा? 500 रुपए की. यहाँ पे देखो किस किस में, ये देखो, ये सर्विस तो एग्जेम्प्ट थी. हमने देखा सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू, ये सब एग्जेम्प्ट था. एंड राइट टू एडमिशन टू दीज थिंग्स हमने देखा था बेटा. यहाँ पे सर्कस, डांस, थिएटर परफॉर्मेंस, अवार्ड फंक्शन, ये सारी चीजों में रिकॉग्नाइज, स्पोर्टिंग इवेंट, प्लानिटेरियम, इसमें कंसिडरेशन फॉर राइट ऑफ एडमिशन टू द इवेंट प्लेसेस रेफर्ड इन ए बी सी डी इज नॉट मोर देन 500. इफ इट इज नॉट मोर देन 500 रुपीज, देन इट इज एग्जेम्प्ट. इन आवर केस इट इज मोर देन 500, ये 600 रुपीज है, तो क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल हो जाएगा. सो डी इज टैक्सेबल, डी इज नॉट एग्जेम्प्ट. क्वेश्चन क्या था? What is not exempt? So D is not exempt. D is the correct answer. Next देखेंगे बेटा. Discount given after the supply has been effected is deducted from the value of taxable supply. If देखा था हमने, after the supply का discount भी deduct हो जाता है, पर कब? अगर agreement में है जो कि enter हुआ है before supply. सेकेंड, रिलेवेंट इन्वॉइसेस से लिंक किया जा रहा है, और आईटीसी जो भी प्रोपोर्शनेट आईटीसी है डिस्काउंट से रिगार्डिंग, वो किसने, रिसिपिएंट ने रिवर्स किया, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डिस्काउंट का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 15(3)(b) में, याद करो. सो क्या बात हुई? सो सर, डिस्काउंट इज गिवन एज पर एग्रीमेंट एंटर्ड इन टू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, एट और बिफोर द सप्लाई, येस, परफेक्ट. सर, डिस्काउंट इज लिंक टू रिलेवेंट इन्वॉइस, येस. प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स By the recipient of supply, yes. ये तीनों भी conditions जब साथ में बेटा satisfy होती है तो after supply के discount का deduction मिलता है. Before supply का बेटा 15(3)(a) में पढ़ा था क्या, कि भाई अगर वो आपने invoice में reflect किया है, यहाँ पे before supply दिया तो उसका deduction मिल जाता है, उसमें तो कोई इतनी बड़ी tension की बात है ही नहीं. So 1, 2, 3 all conditions should be satisfied तो आपको discount का deduction मिल जाएगा. So D is the correct answer. Next, in which of the following situation recipient needs to add the ITC availed by him to his output tax liability. जो उसने ITC बेटा अवेल किया था उसको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में कभी उसको एड करना है, वापस अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एड करना है. देखते हैं यहाँ पे पॉइंट दिए हुए. इफ पेमेंट फॉर सप्लायर एंड द फॉरवर्ड चार्ज इज नॉट मेड बाय द रिसिपिएंट विद इन 45 डेज, नहीं बेटा 180 डेज था. ठीक है, क्या हुआ था यहाँ पे, आपने देखते हैं, चलो हर एक पॉइंट पे समझेंगे. If payment for supplier is not made within 90 days, no. C is the correct answer. If payment for supply and the forward charge is not made to supplier within 180 days from the date of invoice. भाई मैं यहाँ पे supplier हूँ, आप purchaser हो, आपने मेरे से goods खरीद लिया, मैंने आपको goods भेज दिया, आपने मुझे payment नहीं किया, value plus tax दोनों, मेरे को 180 दिन में आपने नहीं payment किया, तो क्या होगा? आपने जो ITC avail किया था बेटा वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको output tax liability में add करना पड़ेगा और government को pay करना पड़ेगा जो आपने ITC avail किया था. कितना टाइम लिमिट दिया गवर्नमेंट ने? 180 डेज दिया बेटा. जीएसटी इट्स अ बिजनेस रिफॉर्म, गवर्नमेंट चाहती है जब तक कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, फटाफट लोगों को पेमेंट्स करने चाहिए. सो ये पॉइंट एक बहुत अच्छा बनाया है गवर्नमेंट ने कि 180 डेज में आप सप्लायर को यहाँ पे पैसे जो भी है वो दे दो आपके गुड्स के, यहाँ पे वैल्यू प्लस टैक्स. अगर नहीं दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो आईटीसी लिया था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के गुड्स थे और 10,000 रुपए का आईटीसी आपने अवेल किया था, तो ये 10,000 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10,000 रुपए आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा.
ठीक है, 180 डेज के बाद. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. करेक्ट क्या है देखते हैं. चलो भाई, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट शैल बी रिवोकेशन कैंसिलेशन अंडर एसजीएसटी सीजीएसटी एक्ट. यस, बिल्कुल सही बात है. ठीक है बेटा, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक ही जगह अप्लाई करते हैं हम रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे हमने जहां पे भी अप्लाई कर दिया, एस में अप्लाई कर दिया, आपका सी में वो ऑटोमेटिक हो जाएगा जो भी. ठीक है, तो अगर आपका रिवोकेशन कैंसिलेशन हुआ रजिस्ट्रेशन का सीजीएसटी एसजीएसटी में, तो उसे मान लिया जाएगा कि एसजीएसटी सीजीएसटी में भी हो गया. सो फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट. कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी शैल बी डीम्ड टू बी कैंसिलेशन. यस, अलग अलग कोई कैंसिलेशन अप्लाई नहीं करना पड़ता है एसजीएसटी सीजीएसटी में, एक जगह अप्लाई कर दिया दोनों हो गया हमारा. सो सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट. रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रिवोकेशन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. हमारे तो एक ही वेबसाइट है वैसे भी, gst.gov.in, वहीं से करते हैं हम सारे काम. कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी शैल नॉट बी डीम्ड टू बी कैंसिलेशन. नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आर करेक्ट बेटा. कैंसिलेशन हो चाहे रिवोकेशन हो चाहे एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो, एक जगह कर दे दूसरी जगह अपने आप मान ली जाएगी. तो वन एंड टू आर करेक्ट. ठीक है, कोई भी चीज करो, एक जगह कर दी दूसरी जगह अपने आप मान ली जाएगी. ठीक है, इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स इंस्टॉलमेंट, अगर आप गुड्स क्या कर रहे हो बेटा लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट में बुला रहे हो, तो उस केस में आईटीसी कब लेते हैं, जब लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट आता है. पढ़ा था हमने, तो 50% आईटीसी कैन बी टेकन ऑन रिसीव्ड ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड बैलेंस 50 ऑन लास्ट. अगर 50-50 का कोई जीएसटी में कंसेप्ट ही नहीं है. आईटीसी कैन बी अवेलेबल ऑन रिसीव्ड ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. यस, दिस इज परफेक्ट. आईटीसी कब लेना, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा आपके गुड्स का. यहाँ पे गुड्स का लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा, उस टाइम आप आईटीसी ले सकते हो क्या? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो. 100% आईटीसी कैन बी टेकन ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. नहीं, बिल्कुल नहीं. प्रपोर्शनेट आईटीसी कैन बी अवेल्ड. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था बेटा आईटीसी के चैप्टर में. ठीक है, क्या लिखा था कि जब आपका लास्ट, जैसे आपके गुड्स लॉट्स में आ रहे हैं, पांच लॉट में आ रहे हैं, तो जब पांचवा लॉट आएगा उस टाइम पे आप आईटीसी अवेल करोगे. ठीक है, तो गुड्स आईटीसी कभी अवेल करोगे आप, लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ आप आईटीसी अवेल करोगे. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फॉर बैंकिंग कंपनी यूजिंग इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाई एंड पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाई, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बैंकिंग कंपनी की बात हो रही है. बैंकिंग कंपनी की बात हो रही है बेटा. बैंकिंग कंपनी के स्पेशल प्रोविजंस पढ़े थे हमने. ठीक है, तो वो बैंकिंग कंपनी जो क्या कर रही है बेटा, इनपुट्स ले रही है, इनपुट सर्विसेज ले रही है, और पार्टली टैक्सेबल सप्लाई दे रही, पार्टली एग्जाम सप्लाई दे रही. वो लोग जो इंटरेस्ट इनकम अर्न करते वो एग्जाम सप्लाई में थी, तो उनको एक ऑप्शन दिया हमने सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 में पढ़ा था. आईटीसी कैन बी कंपल्सरीली रिस्ट्रिक्टेड टू क्रेडिट एट्रिब्यूटेबल टू टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई. की भाई आईटीसी कितना ले सकता है, वो टैक्सेबल या जीरो रेटेड सप्लाई, एक ये ऑप्शन था उसके पास. सेकेंड ऑप्शन है 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ऑन इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज शैल बी मैंडेटरी टेकन इन अ मंथ एंड रेस्ट शैल लैप्स. सेकेंड ऑप्शन उन लोगों के किसमें, क्योंकि इतना ज्यादा एग्जेम्प्ट इनकम का पोर्शन होता है, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई क्लियर काम करो कि जितना भी आईटीसी 50% ले दो, 50% लैप्स हो जाएगा एवरी मंथ इनपुट्स इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स में. ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है. बैंकिंग कंपनी कैन चूज टू एक्सरसाइज ईदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. ठीक है, सही बात है ये भी. आईटीसी शैल बी कंपल्सरी रिस्ट्रिक्टेड टू क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, या वो ए कर सकते हैं या वो बी कर सकते हैं, सो सी इज द करेक्ट आंसर. सी में आप जा सकते हो, उनको चूज करना पड़ता है कि भाई वो ऑप्शन ए के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि पूरा आईटीसी जो भी है किससे रिलेटेड, टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई, उसका वो आईटीसी ले सकते हैं, या 50% ले सकते हैं, 50% लैप्स हो जाएगा एवरी मंथली एक्सरसाइज. ठीक है, सो दोनों में से एक कुछ भी कर सकते हो, सो सी इज द करेक्ट आंसर. सप्लायर टेक्स डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द जीएसटी कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एज पर इनकम टैक्स द सप्लायर कैन. बेटा वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं. क्या बोला यहाँ पे, डेप्रिसिएशन का डिडक्शन ले लिया, कहाँ? ऑन जीएसटी कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स 1 लाख है, जीएसटी आपने 18,000 रुपीज जो है आपने क्या किया, आपने 18,000 पे भी डेप्रिसिएशन ले लिया. अब 18,000 पे भी डेप्रिसिएशन ले लिया, तो भाई या तो आप इनकम टैक्स एक्ट में बेनिफिट ले सकते हो, या जीएसटी में आईटीसी अवेल कर सकते हो, या तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो या आईटीसी. तो अगर आपने यहाँ पे 18,000 रुपए, 1 लाख पे तो आप ठीक है डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. 18,000 पे भी अगर जो डेप्रिसिएशन का पोर्शन है बेटा, एक सेकेंड, ये देखो कॉस्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, डेप्रिसिएशन कितना है 18,000,
तो 1 लाख पे तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी कंपोनेंट 18,000 पे भी आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अच्छा 18,000 पे भी कर ले, तो फिर तो भाई आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, दोनों में से एक ही बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि ये 18,000 पे भी जीएसटी कंपोनेंट पे भी डेप्रिसिएशन उसने क्लेम कर लिया, किस पे? जीएसटी कंपोनेंट पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो फिर क्या होगा, ही शैल नॉट अवेल आईटीसी ऑन द सेट कंपोनेंट, आईटीसी नहीं मिलेगा फिर, बहुत सिंपल सी बात है, आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे क्वेश्चन 35 तक अभी हुए, 35 तक हमारे अभी हुए। इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो देखो, उसमें सारे क्वेश्चंस इसके आगे के 36 टू 70 जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बेटा वी विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर, थैंक यू फॉर नाउ।